गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुख करते हैं बड़ी खबर का। सबसे पहले तांडव वेब सीरीज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सैफ की वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। तांडव में भगवान शिव और राम पर टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यानी 15 जनवरी को ही ये सीरीज अमेजन प्राइम पे शुरू हुई थी, जिसे लेकर लगातार विवाद हो रहा है और लगातार बीजेपी के नेताओं ने इस वेब सीरीज को बंद करने की अपील की है। मैं आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि ये कपिल धार्मिक, ये जो वेब सीरीज है ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली है, इस पर बैन करना चाहिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तांडव सीरीज को बैन करने की मांग करते हुए कहा और एक ट्वीट किया कि इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये भावनाएं भड़काने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें दलितों का अपमान है, हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज में, इसलिए इसे जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। लोकतंत्र खत्म कर देगा। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है, उन्होंने अपील की है प्रकाश जावड़ेकर से कि वो इस वेब सीरीज को बंद कराएं क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं, साथ ही इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया गया है। वही एक्ट्रेस और मॉडल पायल रोहतगी का तांडव वेब सीरीज को लेकर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये भी दिखाया जाता है कि कैसे भगवान राम शिव का वर्णन करते हुए त्रिशूल उठाते हुए जेशान अयूब गालियां दे रहा है, वो गालियां जो इंग्लिश में दी जाती है, बिकॉज इंग्लिश में जो गालियां दी जाती है वो कूल होती है भारत के अंदर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग सनातन धर्म को टारगेट करेंगे तो हम सनातनी आपको एक्सपोज करेंगे। जी हां, मैं कोई सरकार से हूं नहीं, आपके खिलाफ कार्यवाही ऐसे नहीं कर सकती। तो आई रियली होप कि पीपल जो ये प्रोमो को देख रहे हैं वो ये प्रोडक्शन के खिलाफ कार्यवाही करें, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करें डायरेक्टर के खिलाफ। डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी अगेंस्ट दोस पीपल जो भारत में रह के सनातन धर्म को कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि तांडव वेब सीरीज को लेकर विवाद हो गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने, कपिल मिश्रा ने इस वेब सीरीज को बैन करने के लिए कहा है। दरअसल विवाद यह है कि जेशान अयूब जो कि एक्टर हैं, लीड रोल कर रहे हैं इस वेब सीरीज में, वो भगवान शिव के वस्त्र में नजर आए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसे लेकर विवाद हो गया है। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अब्बास जफर हैं जिन्होंने कई बड़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं और ये कहा जा रहा है कि ये वेब सीरीज हिंदू मुस्लिम भावनाओं को आहत करने वाली है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। इसमें भगवान शिव के वस्त्र में जेशान अयूब दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसी बात कही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है लोगों के लिए। और इस बड़ी खबर पर बात करने के ऐसे रुख करते हैं मुंबई का हमारी सहयोगी शिवानी, वहां हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, गुड मॉर्निंग। अभी वेब सीरीज शुरू हुए मुश्किल से 2 दिन का वक्त हुआ है और इतने सारे विवाद हो गए हैं, इस वेब सीरीज को बंद करने की अपील की जा रही है। बॉलीवुड फ्रेटर्निटी की तरफ से कोई रिएक्शन मिला है क्या आपको? बिल्कुल, अगर बात की जाए फिलहाल बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जल्द ही सैफ अली खान द्वारा किसी न किसी तरीके की प्रतिक्रिया आ सकती है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब सलमान सैफ अली खान ने काम किया था एक फिल्म में आदि पुरुष, तो उसमें भी उन्होंने राम के किरदार की छवि को बिगाड़ा है, ऐसे उन पर काफी ज्यादा आरोप लगे थे। जिसके बाद सैफ अली खान सामने आए थे, उन्होंने बयान दिया कि वो खुद ईश्वर राम में भरोसा करते हैं और किसी भी तरीके से किसी भी जाति या धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। वहीं पर फिलहाल ट्विटर पर वॉर शुरू हो गई है कि तांडव को बॉयकॉट किया जाए, जिसमें हिंदू जो ईश्वर है ना सिर्फ उनके कैरेक्टर का जो लुक है वो काफी ज्यादा अलग है, बल्कि महादेव का कैरेक्टर निभाने वाले जो एक्टर हैं उनके जबान से गाली निकली है। तो लोगों का ये कहना है कि ना सिर्फ राम की भक्ति पर यहाँ पर उनके कैरेक्टर को खराब किया गया है, बल्कि महादेव के कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आदि पुरुष में सैफ अली खान ने बयान को क्लियर किया था, वहीं अब उम्मीद लग रही है कि दोबारा कंट्रोवर्सी में घिरने के बाद। ठीक है शिवानी, आप साथ रहिए, मैं आदित्य नार के पास जाऊंगा, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, इस वेब सीरीज को लेकर पॉलिटिकल जो गलियारों में एकदम सियासी हलचल मची हुई है, हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि ये सीरीज बैन होनी चाहिए, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर से इस सीरीज को बैन कराने की बात कही है, क्या कुछ और अपडेट आपको मिल रहा है इस पर?
जी देखिए, यही कि अभी जो है इस चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे ऐसे हिंदू ग्रुप्स हैं और इवन बीजेपी के भी नेता हैं जो इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश में आ चुके हैं कि ये तांडव जो जो सीरीज़ है इसको कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू गॉड्स को, भगवानों को ये डिसरिस्पेक्ट करता है। और इसी के चलते अब उम्मीद ये की जा रही है कि तांडव के जो प्रोड्यूसर्स होंगे और जो जो एक्टर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन और अपॉलोजी शायद इशू करनी पड़ेगी। प्रकाश जावड़ेकर तक ये बात लेके जा चुकी है बार बार, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो इसकी इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेशन पे भी ये सरकार बहुत दिन से उस पर भी एक नज़र बनाए रखी हुई है, तो उस पर कैसे अब काम होगा ये भी शायद एक एक इस पूरे मामले को इन्फ्लुएंस करेगा। जी अब चलते हैं नीव के पास, न्यूज रूम से जुड़े हुए नीव हमारे साथ। नीव, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि पूरा विवाद क्या है, ये बवाल क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बेहतर होगा, तो बताएं। जो पूरा विवाद है इसको समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 जनवरी को ये जो वेब सीरीज है रिलीज हुई है, ज्यादातर लोगों ने देखी भी नहीं होगी। तो जो विवाद है वो जीशान आयुब के कैरेक्टर से शुरू होता है। एक्टर जीशान आयुब मंच पर खड़े होते हैं, शिव के वेश में वो खड़े होते हैं, वहीं पर वो अपने छात्रों को, यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित कर रहे होते हैं, लेकिन संबोधित करते हुए बीच में मंच संचालक आते हैं और वो उनको इंटरप्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि भगवान जो राम के फॉलोअर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पे जीशान आयुब जो है वो इरिटेट होकर कहते हैं कि क्या करूं मैं, अपनी छवि बदल लूं तस्वीर बदल लूं। तो अब ये जो जो ये इस तरह से जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर हैशटैग बैन तांडव नाउ का जो हैशटैग है वो ट्रेंड कर रहा है, साथ ही साथ बॉयकॉट करने की बात हो रही है। और देखिए जो यूजर्स हैं ट्विटर पर वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो ये जो तांडव जो वेब सीरीज है, जो अब्बास अली ने जो इसको डायरेक्ट करा है, इस वेब सीरीज में लेफ्ट विंग की जो क्या कहते हैं आप, एक आप कह लीजिए उनका जो दिमाग है, या फिर आप कह लीजिए जिस तरह से जो इसके क्या कहते हैं जो विरोध में, जो राम के विरोध में जो लोग नारे लगाते हैं, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के जो एजेंडे को है उसको ग्लोरीफाई करने की यहाँ पर बात की गई है। जी अमित, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदित्य आपका बहुत शुक्रिया, शिवानी मुंबई से जुड़ी थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वेब सीरीज तांडव को लेकर जो बवाल हो रहा है ये थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें ये आरोप लगाया गया है कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इसमें शब्द को इस्तेमाल किया गया और ये धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला है।